जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में मधुमेह के रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारे भारत को एक मधुमेह का कैपिटल माना जा रहा है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक होने के कारण रोगियों की संख्या भी अधिक है। मधुमेह एक ऐसा मर्ज है जो कि हमारे आज के जीवन शैली के कारण ज़्यादा बढ़ रहा है, विशेषकर शर्करा युक्त भोजन करना, कसरत व्यायाम न कर पाना और लाइफस्टाइल जो है वो सिडेंटरी होना इसका सबसे प्रमुख कारण होता है। हमको अनुवांशिकता भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि माता पिता को है तो उसके बच्चे को हो सकती है। इस रोग से हमें कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, विशेषकर हृदय रोग और ब्रेन स्ट्रोक की संभावना एक सामान्य व्यक्ति से दुगनी हो जाती है। इसका विशेष कारण शर्करा के कारण, अधिक शर्करा या शक्कर के कारण हमारी खून की नलियाँ डैमेज होती हैं, जो ब्रेन की नलियाँ, गुर्दे की नलियाँ और साथ में हृदय की जो अंदर की वाली नलियाँ होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स होते हैं। इनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम शर्करा का उपयोग कम करें, नियमित व्यायाम करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वजन यदि अधिक है तो उसको नियंत्रण में रखना भी उतना ही आवश्यक है। साथ में अन्य रिस्क फैक्टर जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा अगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसका नियंत्रण करना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छे से किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर ब्लड प्रेशर का अच्छे से नियंत्रण रखा जाए। कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करने के लिए कुछ दवाइयाँ अगर यदि डॉक्टर आवश्यक समझता है या एस्पिरिन जैसी खून को पतला करने वाली दवाइयाँ जो हैं ये भी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, जिससे कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से हम बच सकते हैं।